वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मेयर रिलेशन। इसको हम ड्राइव करेंगे, वेरी फेमस फॉर्मूला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स बेटा इस फॉर्मूले का हमने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है, आज हम इसको ड्राइव करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। और हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों में ही आपके आएगा, तो इसको अच्छे से समझिए। तो बात करता हूँ बेटा, मैंने एक अरेंजमेंट लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये एक हमारा सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स ये पिस्टन कैसे है बच्चों, फिक्स्ड पिस्टन है, मूव नहीं कर सकता, फिक्स्ड पिस्टन। हमने जो गैस ली बच्चों, वन मोल ऑफ आइडियल गैस इसके अंदर फिलअप की, वन मोल ऑफ आइडियल गैस, वन मोल ऑफ आइडियल गैस, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। तो ये वेरी फेमस एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को, तो अब ये क्या करेगा, वर्क तो कर नहीं सकता बच्चों, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स कर दिया हमने। तो ये जो प्रोसेस अक्कर हो रही है, फर्स्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है बच्चों। इस वजह से हमने पिस्टन को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, पिस्टन को क्या कर दिया, फिक्स्ड। जैसे कि कुकर में आपका कोई भी वो है, वाटर स्टीम बन रही है, ठीक है, हीट दे रहे हैं आप उसको, और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी बेटा हीट देने से क्या होगा, हीट देने से दो चीज़ें होती हैं, वर्क और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो वर्क तो होगा नहीं क्योंकि पिस्टन वर्क तो होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या है बच्चों, जीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरे फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन पी डी वी, पी डी वी, डी वी जीरो होने की वजह से ये क्या हो गया, जीरो। वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो। अब बात करते हैं, ये जो हीट दी हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हीट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ किसके इक्वल होता है बच्चों, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डिफरेंशियल फॉर्म में हमने लिखा, मीन्स डी क्यू, स्मॉल हीट देने से क्या होगा बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन जीरो है, वर्क डन कितना है, जीरो, मीन्स जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूटिलाइज होगी। तो डी क्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, डी यू के इक्वल आ गया, डी क्यू किसके इक्वल आ गया, यहाँ तक डी यू के इक्वल। और ये जो हीट का फॉर्मूला बच्चों हमने पढ़े हैं, हीट के दो फॉर्मूले आपको बताए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एन सी वी डी टी, एन बच्चों वन ले लिया हमने, तो ये डी क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, बिकॉज एन इज इक्वल टू वन, वन मोल ऑफ आइडियल गैस, सी वी डी टी, डी क्यू किसके इक्वल है, सी वी डी टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो ये डी यू सारी की सारी हीट किसके बराबर है बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू की वैल्यू पुट कीजिए, सी वी डी टी दैट इज इक्वल टू डी यू। ये जो वैल्यू है डी क्यू की हमने इस इक्वेशन में पुट की, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू सी वी डी टी हमने यहाँ पे पुट की, तो सी वी डी टी किसके इक्वल आ गया, डी यू के इक्वल आ गया। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे बेटा, अब यही प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया, अब ये हम डिस्कस करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेकेंड स्टेज, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिस्कस किया था, इस बार हम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों जो प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने इस केस में, मींस पिस्टन मूव कर सकता है, मींस पिस्टन मूव कर सकता है। तो ये एक सिलेंडर, और इस बार बच्चों जो पिस्टन है वो कैसा है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, कैसा पिस्टन है, मूवेबल, मूव कर सकता है पिस्टन, मूवेबल पिस्टन।
कौन सी गैस फिलअप की बच्चों? आइडियल गैस. हाउ मच? वन मोल ऑफ आइडियल गैस. वन मोल ऑफ आइडियल गैस. वही कंडीशन है सारी, हीट दी इसको भी. और हीट देने से लास्ट टाइम क्या हुआ था? हीट देने से वर्क तो हुआ नहीं था, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सारी की सारी. हीट देने से इंटरनल एनर्जी, तो हमने लेटस कंसीडर यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी थी वो हमारी डी टी इंक्रीज हुई थी. डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, मीन्स जितनी हीट दी उससे हमने एक चेंज किया, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ डी टी. इस बार भी बेटा हम हीट देते हैं और सेम राइज ऑफ इंटरनल एनर्जी, सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, सेम राइज ऑफ डी टी. आपको पता है बेटा जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है. तो बच्चों अगर इस बार भी हम डी टी टेम्परेचर रेज करते हैं तो इस बार की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर डी टी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी हम डी टी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. तो इस बार जो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डी यू की वो सेम रखेंगे सी वी डी टी, सी वी डी टी इसका हम यूज करेंगे. तो पहले तो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? क्यू इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू प्लस डी यू. डिफरेंशियल फॉर्म में बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू. ठीक है बच्चों, इन डिफरेंशियल फॉर्म, स्मॉल इन डिफरेंशियल फॉर्म मीन्स स्मॉल अमाउंट, इन डिफरेंशियल फॉर्म मीन्स स्मॉल हीट देने से स्मॉल वर्क करेगी और स्मॉल ही क्या होगा उसका चेंज. क्या वर्क डन होगा बच्चों इस केस में? यस, वर्क डन होगा. क्यों होगा बच्चों वर्क डन? क्योंकि पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन मूवेबल है. तो डी क्यू की वैल्यू क्या है? इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे फॉर्मूला बनाना है. कांस्टेंट प्रेशर पे एन तो वन है, तो सी पी डी टी, सी पी डी टी. तो डी क्यू की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में. डी यू की वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आइडियल गैस है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हमने सेम राइज किया, सेम राइज ऑफ डी टी. तो जो डी यू पहले केस में आया था वही डी यू इस केस में. तो डी यू की वैल्यू आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई. तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए, वर्क डन की नहीं कैलकुलेट की. वर्क डन कितना होगा बच्चों? जब हीट मिलेगी पिस्टन मूव आउटवर्ड, स्मॉल हीट की वजह से स्मॉल वर्क होगा, तो ये वर्क डन कितना है? पी डी वी. ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इन फर्स्ट लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म. तो डी क्यू के प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं? सी पी डी टी. डी डब्ल्यू के केस में प्लेस पे बेटा पी डी वी. और डी यू के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट केस में सी वी डी टी. फर्स्ट केस में क्या किया था? सी वी डी टी. तो डी टी बच्चों थ्रू आउट कैंसिल करना है, ये तो हो जाते पर यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे. वो कैसे चेंज करेंगे बच्चों? पी वी इज इक्वल टू आर टी. एन वन है, एन क्या लिया हुआ है हमने? वन मोल. तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, क्या किया? पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो इसको कीजिए पी एज इट इज डी को डी वी प्लस वी एज इट इज पी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? डी पी. आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है बच्चों, बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से डी टी. अब ये प्रोसेस जो हो रही है आपकी कहाँ पे हो रही है? एट कांस्टेंट प्रेशर. तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो गया. पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, ये प्रूव कर दिया. मींस पी डी वी के प्लेस पे यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? इसके प्लेस पे आर डी टी. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? सी पी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी प्लस सी वी डी टी. ये जो यहाँ पे कैंसिल किया यहाँ पे नहीं हो पाएगा. अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं डी टी को थ्रू आउट. सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी. और इसको रीअरेंज किया बच्चों तो सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया. दिस इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला, दिस इज नोन एज मेयर फॉर्मूला. तो आज बच्चों हमने उस फॉर्मूले को भी ड्राइव किया जो हम काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में. तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है बेटा. कई बार इसका डेरिवेशन आ जाता है बोर्ड लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे.